मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे अपनी अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा? अरे पागल दे पुत्रों, जरा सोचो। तुम इंसानों को बड़ी बड़ी शह समझते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इंसान बड़ा चालाक है। वो जरूरत के लिए हमको बाप भी बना लेता है। खामोश खामोश, ये नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल दरामद का वक्त है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। आगे आ जाइए, दूसरे को तुम से मत मारिए, दुलतियां मत झाड़िए, बदनजी मत फैलाइए और गौर से मेरी बातों को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें की दसा, ऐ सुनिए की होंदा, दौलत की खातर भाई भाई का गला काटता है, जिस दरख्त की छांव में बैठता है उसी को काट देता है, और जिसको ना पसंद करता है पहले उन्हें सीढ़ी पे चढ़ाता है, फिर तले सीढ़ी खिंचता है, वो बेचारा मुंह दे काट दिखता है, उन्हें चुकने टूट जाते हैं, वो खंजोगा नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मेरे तुमदार दोस्तों अपने अपने कान खड़े कर लो, अपनी पूछ लाल मक्खियां चारो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हम हजारों सालों से इंसान की खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इंसान ने हमें उसका सिला क्या दिया है कि हमारे नाम को काली बना दिया है। अगर एक इंसान बेवकूफ होता है तो दूसरा इंसान उसे गधा कहता है, खोतेरा खून भी कहता है। यह हमारी इज्जत है और यह हमारी इंसल्ट है। लेकिन इंसान यह भी कहता है कि गधे पर किताबें ला दी जाए तो गधा गधा ही रहता है, अकलमंद नहीं बनता।